हेलो दोस्तों, आज मसालेदार पराठा बनाएंगे और छोला का सब्जी बनाएंगे। तो आटा को हमने चाल लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अजवाइन डालेंगे, जीरा डालेंगे, कच्चा जीरा, कस्तूरी मेथी डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे पाउडर, हल्दी डाल देंगे, धनिया जीरा का पाउडर डाल देंगे, इसमें नमक डाल देंगे, हल्का नमक डालेंगे, थोड़ा ऑयल डाल देंगे रिफाइंड, बेसन डाल देंगे एक चम्मच, एक चम्मच डाल दिए हैं और ये दूसरा चम्मच, दो चम्मच बेसन डाल देना है। अब हम सभी को मिलाकर आटा की तरह इसे गूंध लेंगे। जिस तरह से रोटी बनाते हैं उस तरह से इसे गूंध लेना है। लहसुन को क्रश कर इसमें डाल देना है। मैं डालना भूल गई थी। इस तरीके से आटे को लगा लेना है। देखिए, अब इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब हम छोले की तैयारी कर लेते हैं। छोले को कुकर में बैठा दिए हैं, नमक हल्दी डालकर इसे बॉईल होने देते हैं। अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, इसमें जीरा डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से चटका लेंगे। अब हम इसमें कटी हुई प्याज को डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। आप चाहे तो प्याज को घिस कर भी डाल सकते हैं, काट कर डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम लहसुन आदा का पेस्ट डाल देंगे। इसे हम भून लेंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे। आ गया है। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे भून लेंगे। हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिए हैं। आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। अब हम सभी को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम छोले को चेक कर लेते हैं। छोला पक गया है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि छोला में नमक डाले हुए थे। अब इसे हम चला लेंगे। मसाला बहुत अच्छा तरीके से भुजा गया है। छोले को अब हम इसमें डाल देंगे। छोले को डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। दो
दो हरी मिर्च को डाल दिए हैं। इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे, इससे छोले का टेस्ट बहुत ही अच्छा बन लगता है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। अब हम इसे ढक देंगे, पूरे मसाले एक साथ में ये हो जाएगा, मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना बढ़िया इसका खुशबू आ रहा है, और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही टेस्टी। इस तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है छोले का सब्ज़ी। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे। छोले का सब्ज़ी बनके रेडी हो गया है। अब हम मसालेदार पूरी बनाएंगे, पराठा। अब हम आटे को मल लेंगे। आटा को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे हम पराठा बना लेंगे। इस तरीके से बेल लेना है पराठे को। अब हम पराठे को बना लेंगे। तवा चढ़ा दिए हैं, अब हम इसमें पराठे को डाल देंगे। ये देखिए पराठा बन गया है। ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। इसे चटनी के साथ में, रतुआ के साथ, किसी चीज़ के साथ में आप दे सकते हैं। बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए छोला का सब्जी, मसालेदार पराठा, इस तरीके से आप अपने फैमिली को परोसकर खिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। एक बार ज़रूर बनाकर खा कर देखिए। इस तरीके से बनाकर खिलाइए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।